एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर चालान कटने के साथ ही हो सकती है जेल। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। एम्बुलेंस मरीजों के लिए होते हैं, इस बात की जानकारी तो सभी को होती है। इसलिए जब भी सड़क से एम्बुलेंस गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, एम्बुलेंस को जगह देना जरूरी है। एम्बुलेंस में आपने एक सायरन लगा देखा होगा। कहीं से भी यदि एम्बुलेंस गुजरता है तो हमें इसके सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और हम समझ जाते हैं कि कोई इमरजेंसी गाड़ी यहाँ से गुजरने वाली है। कई बार तो एम्बुलेंस को देखने के बाद भी लोग उसे रास्ता नहीं देते हैं। ऐसे में यदि कोई मरीज एम्बुलेंस में है और उसकी स्थिति नाजुक है या उसे उस वक्त अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है लेकिन ट्रैफिक जाम के दौरान किसी ने एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं दिया तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करना आप पर भी भारी पड़ सकता है। यदि उस रास्ते से कोई भी एम्बुलेंस गुजर रहा है और आप उसे रास्ता नहीं देते हैं तो आपका चालान काटे जाने के साथ ही आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपका ये चालान केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटा जा सकता है और कई परिस्थितियों में तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। एम्बुलेंस सड़कों पर यदि तेज सायरन बजाती आ रही है तो लोगों का ये कर्तव्य होता है कि इस तरह के इमरजेंसी वाहन को रास्ता दें ताकि एम्बुलेंस जितनी जल्दी हो सके वो मरीजों को लेकर अस्पताल पहुँच सके। एम्बुलेंस में मौजूद मरीज को समय पर पहुंचाना भी जरूरी है क्योंकि यदि कोई एम्बुलेंस की सेवा ले रहा है तो उसका मतलब है कि स्थिति नाजुक रही होगी। यदि इस दौरान आपने इस इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं दिया और मरीज की मौत हो गई तो ऐसी स्थिति आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आपको मोटा चालान भरने के साथ ही जेल भी भेजा जा सकता है क्योंकि आपने किसी इमरजेंसी वाहन को जानबूझकर रास्ता नहीं दिया। देश में मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत यदि कोई जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोकता है या एम्बुलेंस को जानबूझकर रास्ता नहीं देता है तो उस पर 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है, साथ ही 6 महीने के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। इमरजेंसी वाहन में न केवल एम्बुलेंस बल्कि अग्निशमन गाड़ी भी आती है। इस तरह के वाहनों में सायरन लगा होता है जिसकी आवाज़ सुनकर लोग समझ जाते हैं कि कोई इमरजेंसी गाड़ी आ रही है और वे उन्हें रास्ता दे देते हैं। लेकिन इमरजेंसी वाहन को देखने के बाद भी जानबूझकर उसे रास्ता नहीं देना ये कभी भी माफ़ी के योग्य या समझौता योग्य नहीं होगा। ऐसे मामले में पुलिस भी काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई करती है और कई सख्त नियमों के पालन किए जाते हैं। इस तरह के मामलों पर सड़कों पर लगे CCTV के जरिए भी नज़र रखे जाते हैं ताकि इस तरह की लापरवाहियों को रोका जा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।